हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन कंसिडर किया हुआ है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर से। क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से है, ठीक है। और ये क्वेश्चन को आप हल्के में नहीं ले सकते, ठीक है। ये क्वेश्चन बताता है कि आपने चैप्टर को किस हद तक जाके सीखा है, ठीक है। तो समझते हैं। सुधा फाइंड्स आउट दैट द शार्प इमेज ऑफ द विंडो पेन ऑफ हर लेबोरेटरी इज फाउंड एट अ डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। एक लेंस है, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि वो लेंस कैसा है, ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे। लेंस है, ओके। तो ऑब्जेक्ट यहां पे है और इसका इमेज जो है यहां बन रहा होगा, ठीक है। और ये 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है इस लेंस से, क्लियर। ऑब्जेक्ट का पोजीशन हमें क्लियर नहीं है, हमें इस क्वेश्चन से ही समझना होगा कि ऑब्जेक्ट कहां पे रहा होगा, क्लियर। यानी ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो लेंस से 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। सी नाउ ट्राइज टू फोकस द बिल्डिंग विजिबल टू हर आउटसाइड द विंडो, ओके। तो पहले ऑब्जेक्ट यहां था, ठीक है। अब वो ऑब्जेक्ट यानी बिल्डिंग, अरे भैया विंडो से बाहर है तो थोड़ा विंडो से दूर ही है, ठीक है। वो भी नहीं पता कि कितना दूर है, बट ये तो कंफर्म है ना कि वो बाहर ही है, ठीक है। तो इस वाले ऑब्जेक्ट से ये जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, ठीक है। लेंस में आपको किसी तरह का चेंजेस नहीं करना, वो ऑलरेडी लिखा गया है ना। तो पूछा है कि इन विच डायरेक्शन विल सी मूव द स्क्रीन टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। अब इस ऑब्जेक्ट का भी हमें शार्प इमेज चाहिए। अब देखो इसका जो इमेज आप देख रहे होगे, ठीक है, इसको स्क्रीन पे ही आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो स्क्रीन है वो आप आगे ले जाओगे या पीछे अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बढ़ गया तो। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्लियर, ओके। तो केवल आप अगर ये तय कर लेते हो कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां पे रहा होगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो सुनो, पहली बात समझना है आपको कि यहां पे गिवन है शार्प इमेज। भाई शार्प इमेज, अब इस शार्प इमेज का क्या मतलब है, ठीक है जी। इस शार्प इमेज का क्या मतलब है, एक ऐसा इमेज जिस इमेज को आप समझ पाओ, ठीक है। मतलब वो इमेज क्लियर आपको विजिबल हो तो उसी को आप शार्प इमेज बोलोगे। अब जरा सोचो, अगर उसे स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है, और वो चीज अगर बिल्कुल पॉइंट साइज की दिखाई दे तो उस इमेज की अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाओगे आप, अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाओगे कि एक्चुअल में इमेज है किसका वो। तो एक बात तो तय हो गई कि ये ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे तो नहीं रहा होगा। क्यों? क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है तो इनफाइनाइट से आने वाली रेस फोकस पे मिलती हैं, मतलब यहां पे इमेज बनेगा। और इस इमेज की साइज जरा देख लो, हाईली डिमिनिश्ड है। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं क्लियर कर दूं आपको, ये तो मैंने आपको बताया नहीं कि ये हम तय कैसे करें कि ये रियल है या वर्चुअल है, ठीक है। पहले ये तय कर ले, ये इमेज देखो, अगर आप इमेज को किसी भी स्क्रीन पे ऑब्टेन कर पा रहे हो तो इसका मतलब वो इमेज रियल है, और यहां पे इमेज रियल ही है। और रियल इमेज बनाने की हैसियत केवल और केवल कॉन्वेक्स लेंस में है, इसीलिए जो हम लेंस कंसिडर करेंगे वो कॉन्वेक्स कंसिडर करेंगे। ये भी ध्यान रखना, ये भी दिमाग में चलेगा कि आपने कॉन्वेक्स लिया, कॉनकेव क्यों नहीं लिया, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस में सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम इमेज को, है ना, हम जो इमेज यहाँ बन रहा है उस इमेज को, है ना, स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सके, क्योंकि ये जो आपको इमेज दिख रहा है ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है भाई,
ये वर्चुअल है, तो इसके इसे आप स्क्रीन पे ऑब्टेन कर ही नहीं सकते। इसमें भी है एक केस ऐसा है, जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हो तो इसका इमेज देख लो वर्चुअल बन रहा है। अब इस इमेज को आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, इसका इमेज ही नहीं देख पाओगे आप, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। तो यहां से ये तय करना अपने को कि लेंस कौन सा होगा और क्यों होगा, तो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये तय कर लिया आपने। क्यों? क्योंकि इमेज यहाँ पे रियल है। क्यों रियल है? क्योंकि इसे स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा रहा है। ओके, चलो आते हैं क्वेश्चन पे। तो ये बात तो हमने तय कर ली भाई कि लेंस कौन सा है, और इससे पहले हमने आपको बता दिया था कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे तो नहीं है। अब अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे नहीं है, इसका मतलब हम ये भी चेक कर लें कि बियॉन्ड 2f होता है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलो तो यहाँ देखते हैं ना, आ जाओ यहाँ देखते हैं, ठीक है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ये आप देख सकते हो। तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर जब है तो इसका इमेज 2f है ना, और f f के बीच में, ठीक है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ये मिरर के केस में हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे आप 2f बोलोगे, ठीक है, यानी f और 2f के बीच में बन रहा है। तो ये इमेज की साइज इतनी है कि आप इसे देख सकते हो, ऑब्जर्व कर पाओगे। तो ये बात तो आप बोल सकते हो ना कि जो ऑब्जेक्ट रहा होगा वो बियॉन्ड 2f रहा होगा, तभी उसका इमेज शार्प बना, ठीक है जी, क्लियर। तो ये हमने तय कर लिया कि विंडो पेन जो है वो बियॉन्ड 2f है। ओके, अब जो बिल्डिंग है नो डाउट इस विंडो से बाहर है, तो उसकी जो डिस्टेंस होगी लेंस से वो इससे तो ज्यादा ही होगी, ठीक है। बट क्वेश्चन में एक बात क्लियरली मेंशन किया गया है कि उसका भी इमेज जो है वो आपको शार्प ही ऑब्टेन करना है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो इमेज रहा होगा, सॉरी, जो ऑब्जेक्ट रहा होगा वो इस विंडो से थोड़े दूरी पे रहा होगा, थोड़े ही दूरी पे रहा होगा, क्योंकि अगर इसे फिर अगर आप इनफाइनाइट कंसिडर कर लोगे तो फिर इसकी जो फोकस है वो डिमिनिश्ड बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज जो वो विजिबल नहीं हो होगा, ठीक है। ओके, ये बातें इतनी क्लियर हुई होंगी। तो देखो, जब ऑब्जेक्ट यहां था तो ये 15 सेंटीमीटर है ना पे ऑब्टेन हो रहा था, ठीक है, ये 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस आपने बढ़ा दिया, डिस्टेंस आपने बढ़ा दिया, तो नो डाउट इसका जो इमेज बनेगा, इसका जो इमेज बन रहा होगा वो कहीं यहां बन रहा होगा, समझना बात को, ठीक है, यहां बन रहा होगा कहीं 15 सेंटीमीटर से कम, क्योंकि आप डिस्टेंस बढ़ाते हो। देखो, डिस्टेंस जैसे जैसे आप करीब नजदीक कर रहे हो और इमेज डिस्टेंस बढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बढ़ाने पे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखो यहां पे, देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपने घटा दिया, ठीक है, तो क्या हुआ, 2f था यहाँ पे, यहाँ पे 2f है, यहाँ पे क्या था, बियॉन्ड 2f था, यहाँ पे 2f पे, तो 2f पे है तो इमेज देखो 2f बन रहा है, और नजदीक ला, 2f और f1 के बीच में जाओ, देखो 2f से बियॉन्ड बनने लगा, यानी जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप घटाते हो तो इमेज डिस्टेंस बढ़ जाता है, और जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बढ़ाओगे तो इमेज डिस्टेंस घट जाता है, क्लियर है इतनी बात। यानी ये जब डिस्टेंस ज्यादा है तो इसका इमेज कहीं ना कहीं यहां पे बन रहा होगा, मतलब 15 सेंटीमीटर से पहले ही बनेगा, क्लियर है इतनी बात। ओके, क्वेश्चन में क्या-क्या और पूछा गया था देखते हैं। हाँ, तो यहां पूछा है कि अब सुनो, हाँ, अब आप स्क्रीन कहाँ रखोगे, सोचो जरा, आंसर तो मैंने आपको बता दिया, स्क्रीन कहाँ रखोगे, अब स्क्रीन यही रखोगे ना, जहां भी इमेज बनेगा वहीं तो आप स्क्रीन रखोगे, यानी स्क्रीन को आप लेंस की तरफ बढ़ाओगे। क्वेश्चन में क्लियर मेंशन है कि भाई लेंस के साथ छेड़छाड़ नहीं करना, लेंस जहां फिक्स है वहीं रहने दो, ठीक है, आप केवल स्क्रीन को आगे पीछे कर सकते हो।
तो आप स्क्रीन को कहाँ करोगे? टुवार्ड्स द लेंस। क्लियर है इतनी बात? समझ में आ गया होगा। ओके, फिर पूछा है व्हाट इज द एप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस। तो सुनो, अब यहां पे क्लियर तो बताना मुश्किल है कि इसका फोकल लेंथ क्या है, लेकिन यहां से एक बात तो तय होती है कि जो फोकल लेंथ होगा वो 15 सेंटीमीटर से तो कम होगा। ये बात तो तय है, ठीक है? थोड़ा कम होगा लेकिन होगा जरूर, ठीक है? तो यहां पे आप बोल सकते हो कि जो फोकल लेंथ है वो नियरली 15 सेंटीमीटर होगा, लेकिन हम ये भी बोल सकते हैं कि लेस देन 15 होगा, लेकिन बहुत ज्यादा का अंतर नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है? तो नियरली 15 ही होगा, क्योंकि बाबू जब कोई डेटा एग्जैक्ट गिवन नहीं है ना, तो हम एग्जैक्ट बोलेंगे भी नहीं, ठीक है? लेकिन एक बात तो तुम्हें कंफर्म हो गई होगी ना कि 15 सेंटीमीटर से कम होगा। ओके, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं वो डाउट। क्लियर?